हाजीपुर हमारी है, हम हाजीपुर कर्मभूमि मेरा है, हाजीपुर के सांसद हम हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए, पूछो, कोई ताकत नहीं रोक सकता दुनिया की, कोई ताकत। काम करेंगे हम, खाना खाओगे दूसरा कोई, जो जो यहाँ के दावेदारी ठोकता हो जाए अपने क्षेत्र में जाए, पुराने क्षेत्र में जाए। देखा आपने कैसे चाचा पारस ने हाजीपुर सीट पर सीधा दावा ठोक दिया है। दरअसल हाजीपुर सीट चाचा भतीजे के लिए आन का सवाल बना हुआ है। इसी कड़ी में RLJP अध्यक्ष पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचे और देखिए कैसे हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका। हाजीपुर हमारी है, हम हाजीपुर कर्मभूमि मेरा है, हाजीपुर के सांसद हम हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए, पूछो, कोई ताकत नहीं रोक सकता दुनिया की, कोई ताकत। काम करेंगे हम, खाना खाओगे दूसरा कोई, जो जो यहाँ के दावेदारी ठोकता हो जाए अपने क्षेत्र में जाए, पुराने क्षेत्र में जाए, वहाँ की जनता के साथ विश्वासघात करेगा और यहाँ भी आके विश्वासघात करेगा। हाजीपुर का सांसद मैं हूँ, NDA गठबंधन के सबसे सहयोगी दल मैं हूँ। आज कोई हुलुक बुलुक करके कोई NDA में जुट रहा है, हम अस्थाई NDA गठबंधन के सहयोगी दल हैं और विश्वासी सहयोगी दल हैं। और NDA गठबंधन के जो बड़े लीडर्स हैं वो मेरे साथ में न्याय करेंगे, जान लीजिए। और हमारा जो हाजीपुर ही नहीं, मेरा जो 5 सिटिंग सीट है, गठबंधन धर्म का ये नियम होता है कि सिटिंग गेटिंग गो, सिटिंग शब्द पर सिटिंग सीट पर कहीं किसी का कोई अड़चन नहीं होता है, वो सिटिंग सीट है हमारा 5, 5 सीट मेरा रहेगा। इतना ही नहीं, हाजीपुर सीट पर चिराग द्वारा की जा रही दावेदारी को लेकर भी पशुपति पारस बरसे और चिराग को बरसाती मेंढक तक बता दिया। NDA में शामिल होने से क्या होगा, अभी तो चुनावी वर्ष है, चुनाव बरसाती बरसात के समय में मेंढक टड़टड़ करता है ना, पीला वाला जो मेंढक होता है, बरसात में देखिएगा जहां जहां रहेगा नदी नाला रहेगा बहुत टड़टड़ करेगा। ये चुनावी बरसात है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, कोई दावेदार नहीं है। कौन दावेदार है, सब झूठा दावेदार है। जो दावेदार है कहिए, जहाँ घोषणा किया था कि हमारे जीवन वहां सेवा करेंगे, वहां जाकर सेवा करे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दावेदारी करता है उसको कहिए, उसका अपना क्षेत्र है जहाँ पासवान जी उसको हाथ पकड़ के ले गए थे कि आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा, कहिए वहां सेवा करेगा। यहाँ क्या, हम अस्थाई सहयोगी हैं, कोई हुलुक बुलुक करता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, बाएं दाएं। अगर हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, NDA गठबंधन के हम सहयोगी हैं, एक नंबर के सहयोगी है, बिहार में हम ही हैं। इतना ही नहीं, चाचा पारस ने ये भी बताया कि आज भी रामविलास पासवान उनके सपने में आते हैं। संजोग से रात में सपना में देखा और वो मुझको सिर्फ आशीर्वाद दिए कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ। खैर, हाजीपुर सीट पर चिराग और पारस दोनों दावा ठोक रहे हैं। देखना होगा आगे इस सीट को लेकर NDA में क्या तय होता है। हाजीपुर से संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।